बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फॉर टुडे आवर क्लास इज अपग्रेडिंग इंग्लिश यूनिट नंबर 8, टॉपिक वुमेन्स रोल इन द पाकिस्तान मूवमेंट, बुक पेज नंबर 75 एंड 76। ऑन पेज नंबर 75 वी विल टेक स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस ऑन बुक पेज नंबर 75, बाय द मिड 40s 40वीं दहाई के वस्त तक अ गैलेक्सी ऑफ वुमेन हैड इमर्ज्ड इन द लीडरशिप रोल ऑफ द मुस्लिम लीग। औरतों का एक जमात मुस्लिम लीग के कयादत की शक्ल में उभर कर सामने आया, कयादत की सूरत में उभर कर सामने आया। 40 के दहाई के वस्त तक खवातीन की एक जमात मुस्लिम लीग के सदारत या कयादत की सूरत में उभर कर सामने आया। ऑर्गेनाइजिंग एंड मोबिलाइजिंग वुमेन वर्कर्स इन द सिटीज एंड आल्सो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिनका काम शहरों और जिलों के सतह पर खवातीन कारकुनों को मुनज़्ज़म करना था और उनको फ़ाल बनाना था। मोबिलाइजिंग मीन फ़ाल बनाना। Some of the more prominent names that emerged were, इनमें से कुछ मशहूर नाम जो उभर कर सामने आए, prominent, नुमाया, मशहूर, जाने पहचाने, emerged, उभर कर सामने आना। इनमें से कुछ मशहूर नाम जो उभर कर सामने आए उनमें शामिल थे जहान आरा शहनवाज, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन एंड बेगम फातमा फ्रॉम लाहौर, शाइस्ता इकरामुल्ला फ्रॉम बंगाल, जरी सरफराज फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा एंड लेडी अब्दुल्ला हारून फ्रॉम सिंध। एज द पाकिस्तान मूवमेंट पिक्ड अप, जू जू तहरीक पाकिस्तान ने जोर पकड़ा। The Muslim Students Federation and its women's wing, तो मुसलमानों की तलबा की जो तंजीम और इसकी खवातीन की जो शाख थी, began playing an increasingly important role in mass mobilization. उन्होंने लोगों को फाल बनाने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया। Mass mobilization, लोगों को फाल बनाना, लोगों को बाखबर करना, लोगों को तहरीक पाकिस्तान के बारे में समझाना। विद गर्ल स्टूडेंट्स ट्रेवलिंग इवन टू खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ तक कि हवातीन तलबात ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा भी किया। अ रिमार्केबल एक्ट गिवन द प्रोविंस सोशल कंजर्वेटिज्म, सूबे के समाजी कदामत पसंदी को देखकर ये एक काबिल जिक्र कारनामा था। अगर सूबे के समाजी या मुआशरती कदामत पसंदी को मद्देनजर रखकर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। सोशल कंजर्वेटिज्म, समाजी कदामत पसंदी, बिकॉज इन दोज डेज पीपल इन खैबर पख्तूनख्वा वर अ बिट कंजर्वेटिव, दे डोंट लेट देयर वुमेन गो आउटसाइड, दे डोंट गिव देयर वुमेन एक्सपोजर इन सोशल एक्टिविटीज मेनली और इन अदर सोशल एक्टिविटीज दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। सो इट वॉज अ रिमार्केबल एक्ट in those days to come to Khyber Pakhtunkhwa and meet the women of this province, because there was a bit of conservatism in those days.
बेगम फातिमा द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ द जिन्ना इस्लामिया कॉलेज फॉर गर्ल्स इन लाहौर। बेगम फातिमा जो कि लाहौर में जिन्ना इस्लामिया कॉलेज था जो तालिबात के लिए था उसकी बानी प्रिंसिपल थी, हैड प्लेड अ की रोल इन मोबिलाइजिंग फीमेल स्टूडेंट्स। उन्होंने खवातीन तालिबात को फाल बनाने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। बेगम फातिमा जो कि लाहौर में तालिबात के लिए जिन्ना इस्लामिया कॉलेज की बानी प्रिंसिपल थी, उन्होंने तालिबात को फाल बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। शी इन्वाइटेड द कायद टू कम एंड एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन नवंबर 1942। उन्होंने कायद आजम को 19 नवंबर 1942 में मदु किया कि वो उनके कॉलेज आकर तालिबात से खिताब करें। एड्रेस खिताब करना। इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन दीज यंग माइंड्स व्हेन दिस कैरिस्मेटिक लीडर डिक्लेयर्ड। गौर तसव्वुर कीजिए कि जब इस करिश्माती लीडर ने ये अल्फाज इन नौजवानों के सामने कहे होंगे तो उस वक्त का तसव्वुर कीजिए, उस वक्त के बारे में सोच लीजिए। इमेजिन मीन तसव्वुर करना, किसी चीज के बारे में सोचना। टू हैव समथिंग इन योर माइंड, जस्ट टू इमेजिन, जस्ट टू मेक एन इमेज ऑफ समथिंग इन योर माइंड दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट or not happened yet but you are going to imagine something that will happen or that has already happened. Charismatic, karishmati. A personality, a person who has a charisma of impressing people, who has the effect to do something with people that they will impress, that they will admire him. A personality having something admirable is charismatic. I am glad to see that not only Muslim, these are the words of Qaid Azam. I am glad to see that not only Muslim men but Muslim women and children have understood the Pakistan scheme. मैं ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ कि न सिर्फ मुसलमान मर्द बल्कि मुसलमान खवातीन और बच्ची भी पाकिस्तान का मंसूबा समझ चुके हैं, जान चुके हैं। स्कीम मंसूबा पाकिस्तान बनाने के लिए जो मंसूबाबंदी की जा रही है, मैं ये देखकर इंतहाई खुश हुआ हूँ कि ना सिर्फ मुसलमान मर्द बल्कि मुसलमान खवातीन और बच्ची भी इसको समझ चुके हैं। नो नेशन कैन मेक एनी प्रोग्रेस विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ इट्स वुमेन। कोई भी कौम इसकी औरतों के बगैर कोई तरक्की नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी कौम नहीं है कि वो अपनी औरतों के तावन या मदद के बगैर तरक्की करे, आगे बढ़ सके। मुस्लिम वोमेन सपोर्ट देयर मेन, अगर मुसलमान खवातीन अपने मर्दों की मदद करें, उनके साथ तावन करें, एज दे डिड इन द डेज ऑफ देयर प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, जिस तरह उन्होंने पैगंबर इस्लाम के जमाने में किया था, जिस तरह पैगंबर इस्लाम के जमाने में खवातीन ने मर्दों का के साथ तावन किया था। वी शुड सून रियलाइज अवर गोल, तो जल्द ही हम अपने मकसद को पा लेंगे, तो जल्द ही हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। गोल मकसद, समथिंग दैट इज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव अ मिशन इज कॉल्ड गोल। ऑब्जेक्टिव इज अ सिनोनिम ऑफ गोल एंड इट इज अ नाउन फ्रॉम Which verb? Get. Get mean हासिल करना. Get. Get got got हासिल करना. So it is a goal means मकसद or हुसूल. हुसूल या मकसद. When the Muslim League won all the Muslim seats in the provincial election of Punjab,
जब मुस्लिम लीग ने पंजाब के सूबाई इलेक्शन में ख्वातीन के तमाम सीटें तमाम नशिस्ती जीत ली बट वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन फरवरी 1946, लेकिन फरवरी 1946 में सूबाई हुकूमत के बनाने से उनको बाहर किया गया। इनके 1946 में जब सूबाई हुकूमत वजूद में आ रहा था, जब सूबाई हुकूमत तश्कील दी जा रही थी, तो उनको इससे बाहर कर दिया गया। एक्सक्लूडेड मीन खारिज करना, एक्सक्लूड। निकालना, फॉर्मेशन मीन तश्कील। बनावट, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन फॉर हेल्ड आउटसाइड द चीफ मिनिस्टर हिजर हयात हाउस। तो वजीर आला हिजर हयात के घर के बाहर इंतहाई बड़े जलसे जुलूस या एहतजाज हुए, मैसिव शदीद, बहुत बड़ा या शदीद, बहुत ज्यादा। डिमोन्स्ट्रेशंस, एहतजाज, जलसे जुलूस। वजीर आला हज़रत हयात के घर के बाहर इंतहाई शदीद नारेबाजी हुई, इंतहाई शदीद एहतजाज हुए, विद द वुमेन लीगर्स प्रोसेशंस मेकिंग अ सीरियस इफेक्ट, जिसमें मुस्लिम लीग की ख्वातीन का जो एहतजाज था, जो जलसा, जो जुलूस था, उसने बहुत ज्यादा असर डाला, उसका बहुत ज्यादा शदीद असर हुआ। प्रोसेशंस एंड डिमोन्स्ट्रेशंस are almost the synonyms. Processions, ihtijaj, jalsa, julus, they are called the synonyms. Impact mean asar, impact, serious impact, shadeed asar, bahut zyada asar, impact. So that's all for today's class. In the next classes, in the later classes, we will read the remaining. If you have any question, please ask. Thank you. Allah Hafiz.